नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मितर, आप देख रहे हैं डेटा डॉग। थोड़ी देर पहले मुझे सैमसंग कंपनी से फोन आया था। ये फोन आया था दिल्ली से, इशिका नाम की कोई लड़की ने मुझे फोन किया था। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो उसका नंबर, उन्होंने मुझे बोला कि एक स्पेशल ऑफर आ रहा है सैमसंग J7 2016 वर्जन का, जिसका अभी मार्केट में लगभग 13-14 हज़ार में बिक रहा है, और वो लोग वो फोन मुझे भेजेंगे 3,500 रुपये में। तो मैं और फर्दर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पूरा कॉल रिकॉर्ड करके रखा है, आप थोड़ा कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए तब पता चल जाएगा। हाँ जी बोलिए। आप जो नंबर इस्तेमाल कर रही है, नंबर आज आपका सैमसंग मोबाइल फोन कंपनी में चुना गया है डिस्काउंटेड ऑफर में, तो आपको एक मोबाइल फोन प्रोवाइड किया जा रहा है सैमसंग गैलेक्सी J7 डिस्काउंटेड ऑफर में। मार्केट चाहिए इसका 14,000 जो मोबाइल फोन आपके बच्चे में आपके पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा, तभी पेमेंट करके रिसीव करना होगा। अच्छा, और ये आप कहाँ से बोलो, आपके सैमसंग कंपनी से बोल रहे हो क्या? सैमसंग कंपनी से राम जी। मतलब कौन सा, ये कोलकाता है क्या? सॉरी, ये कोलकाता का नंबर है क्या? मतलब आप कहाँ से बोल रहे हो? दिल्ली से बात कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली से। अच्छा, ये कितना, मतलब सैमसंग अभी J7 का आपका प्राइस कितना है मार्केट में? मोबाइल फोन का मार्केट प्राइस 14,999 आज आपको 3,600 में दिए जा रहे हैं ओनली। 3,000 तो बहुत कम प्राइस है। लाइक मतलब वो एकदम, मतलब ओरिजिनल फोन ही वो लोग देंगे ना, मतलब सब बॉक्स पैक के साथ। ओरिजिनल मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड मोबाइल फोन है, फुल टच स्क्रीन है। अच्छा, मार्केट प्राइस 14,999 आपको 3,600 में दिया जा रहा है। अभी आपको उसका पेमेंट नहीं करना होगा, जो मोबाइल फोन आपके बताएगा आपके पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा। अच्छा, अभी पेमेंट करके रिसीव करना होगा। मोबाइल फोन के साथ आपको 1 साल की गारंटी। अच्छा। 1 साल की गारंटी दी जाएगी, 8 GB मेमोरी कार्ड दी जाएगा, 5 महीने का नेट पैक भी दिया जाएगा, 4G। अच्छा। जियो का सिम दिया जाएगा। अच्छा, जियो का सिम भी दिया जाएगा। और ये मतलब पोस्ट ऑफिस में, मतलब ये क्या मेरे घर पे आएगा या फिर मुझे पोस्ट ऑफिस से लेना पड़ेगा ये? सर, जब मोबाइल फोन आपके पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाएगा, हमारी पार्टी से आपको मैसेज आएगा या कॉल आएगा, तब आपको जाके रिसीव करना होगा। ओके, जाके रिसीव करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर क्या कैश पे पेमेंट होता है या फिर मैं लाइक चेक या कार्ड से दे सकता हूँ पैसा वहाँ पर? नो सर, कैश पेमेंट। अच्छा, कैश पे 3,500 रुपए लगेगा ना, और मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए ना आपका? नो, ना कोई डिलीवरी चार्ज होगा, ना कोई टैक्सी चार्ज। 3,600 रुपए पेमेंट करके आपको रिसीव करना होता है। ओके, और आपका ये जो वारंटी आपने बोला, ये क्या मुझे मिलेगा, मतलब सैमसंग सर्विस सेंटर में वारंटी मिलेगा क्या मुझे इसका? चार जी, तो साल तक टूटता है, फूटता है, कोई भी खराबी आती है, तो सैमसंग किसी भी सैमसंग केयर में जाके जो मोबाइल फोन दिया जाएगा उसके अंदर आपको एक बुकलेट सीरीज दी जाती है, उसके आपके एरिया के उसमें सारे वो होते हैं, डिफेक्टेड होते हैं, उसमें लिखे हुए होते हैं, आप किसी भी सैमसंग केयर में जाके आप उसको ठीक करवा सकते हो। अच्छा, अच्छी बात है। और ये मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा इसको लेने के लिए? अभी आपको सिर्फ अपना नाम पता, एड्रेस और पोस्ट ऑफिस का पिन कोड नंबर लिखाकर अपना ऑर्डर कलेक्ट करवाना होता है। जब 10 से 12 दिन में मोबाइल फोन पहुंच जाएगा, मैं आपको कॉल कर दूंगी या मैसेज आ जाएगा आपके पास। अच्छा अच्छा, तो आप लिख लो, तो फिर 3,500 ही देना पड़ेगा ना, उससे ज्यादा नहीं चाहिए ना आपका? 3,600 ओनली, ना कोई डिलीवरी चार्ज, ना कोई टैक्सी चार्ज। 3,600। ठीक है ठीक है। तो कौन से कलर में लेना चाहोगे मोबाइल? ब्लैक, व्हाइट, गोल्डन? ब्लैक, व्हाइट, गोल्डन। गोल्डन वाला अच्छा होगा, गोल्डन। तो मैं आपका नाम पता है एड्रेस और पोस्ट ऑफिस का पिन नंबर लिख कर अपना और आपका ऑर्डर कलेक्ट कर सकती हूँ? हाँ, एकदम एकदम एकदम। ओके, आप नाम बता दीजिए। आकाश सेन गुप्ता। आकाश गुप्ता। सेन गुप्ता, सेन SENGUPTA गुप्ता, सेन गुप्ता। सॉरी, SEN सेन। अच्छा, सेन गुप्ता। ओके, हाँ सेन गुप्ता। फादर नेम बता दीजिए। फादर नेम है लेट, लेट मतलब वो एक्सपायर कर गए हैं। लेट लेट LAT लेट। सुमन, SUMAN सुमन सेन गुप्ता। बात कर रहे हो? सॉरी, कौन से स्टेट से बात कर रहे हो आप? ये आपका वेस्ट बंगाल है आपका? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल।
ओके आप पोस्ट ऑफिस का पिन कोड नंबर बता दीजिए। 700032032 कौन सा पोस्ट ऑफिस लगता है? ये भवानीपुर है। भवानीपुर ओके। आप किससे बात कर रहे हो? विलेज से बात कर रहे हो? क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या? आप सिटी से बात कर रहे हो कोलकाता में या विलेज से बात कर रहे हो? मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा आपका बात। आप गांव से बात कर रहे हो शहर से बात कर रहे हो? शहर से, कोलकाता तो आपका शहर है आपका। हाँ जी हाँ जी ओके, मुझे एड्रेस बोल दीजिए। सॉरी एड्रेस बोल दीजिए। एड्रेस एड्रेस 52 अच्छा 52 ओके। आर एन टैगोर लेन, आर एन टैगोर टी ए जी ओ आर टैगोर लेन, टैगोर लेन एल ई एन लेन एल ए एन ई लेन। बस वही आपका लैंडमार्क है आपका भवानीपुर पुलिस स्टेशन, नियर भवानीपुर पुलिस स्टेशन। भवानीपुर नियर भवानीपुर पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन भी आपका पोस्ट ऑफिस भी है, दोनों ही पास पास है, कोई भी लिख लेंगे तो हो जाएगा। ओके ओके। इसके अलावा कोई और अदर कॉन्टेक्ट नंबर यूज करते हो आप? नहीं मेरा तो यही नंबर है आपका। जैसे कल आपके पास सीनियर डिपार्टमेंट से आपको नियम का कॉल आएगा जो आपकी बिल्डिंग इंडिकेटर तैयार करती है। अच्छा। तो अगर ये नंबर लिख सकते हैं तो आपको दूसरे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये मेरा नंबर हमेशा ऑन रहता है, ये लग जाएगा आपका। ओके सर, आपको सेंटर में आपको कॉल आता है नियम का। अच्छा ठीक, कॉल जीरो अटेंड कर लीजिएगा। वो कब आएगा आपका कॉल? ये कल आपको आएगा 52 से 48 घंटे में। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है यही नंबर पे कॉल करूँ क्या? हाँ जी। अच्छा आप मतलब क्या किससे बात करूँ, आपका नाम क्या है? हाँ जी आपका नाम क्या है? इशिका। हाँ इशिता। इशिता अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अगर कोई दिक्कत होता मैं इस नंबर पे आपको कॉल कर दूंगा इशिता जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपका खुद का बिजनेस है या कोई प्राइवेट जॉब करते हो? नहीं मेरा तो बिजनेस है आपका खुद का। आप मुझे इसी नंबर पे कॉन्टेक्ट कर दीजिएगा ठीक है, कोई भी जानकारी लेनी है। एकदम एकदम से मैं कॉल कर लूंगी इसी तरह। धन्यवाद। सो जैसे आप देखिए इस टाइप का कॉल आता है, सो बी वेयर ऑफ ऑल दिस कॉल्स। तो डेफिनेटली ये सब कॉल को आप एंटरटेन मत कीजिए, और हाँ थोड़ा सुन के आप इंजॉय तो कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए ये सब कॉल अगर रिकॉर्ड करके निकले कि बहुत अच्छा है। तो मुना ने इशिका जी ने मुझे बताया कि अगर मुझे कोई दिक्कत होता है डेफिनेटली मैं उसके नंबर पर कॉल भी कर सकता हूँ। तो ये रहा आपका नंबर, आप भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही। दिस योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेयर डॉग, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।